बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम जिलानी। आप देख रहे हैं स्पाई वर्ल्ड टेक। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो हासिल कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सब्ट्रैक्ट डिफरेंट वैल्यूज़ इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट। एक्सेल शीट के अंदर आप किस तरीके से डिफरेंट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी फ्रेंड्स, मेरे पास ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, मैंने इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा एक्सेल का फार्मूला। ज़ाहिर सी बात है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप एक्सेल के अंदर फार्मूले के लिहाज से किसी भी किस्म का कोई भी काम करेंगे तो वो जो स्टार्ट करना है वो आप स्टार्ट करेंगे इक्वल टू से। मैं सबसे पहले इक्वल टू लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इस वैल्यू में से ये जो दूसरी वैल्यू है इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो देखें ये जो 340 है, इसका जो सेल का जो एड्रेस है वो देखें, ये ब्लू है और G9 भी क्या है, ब्लू है। मतलब ये दोनों बता रहे हैं, ये जो G9 है ये 340 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो G10 है ये 220 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने जस्ट क्या किया है, इंटर प्रेस किया है, तो इसने बता दिया है कि ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से जो वैल्यू आती है वो 120 आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ 560 और यहाँ से लिखता हूँ मैं 800। ठीक है, अब मैं माइनस करूँगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो कैसे करूँगा, इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले से मैं माइनस करता हूँ, ऊपर वाला माइनस माइनस उसके बाद 800 और ये जस्ट इंटर किया। तो ये कह रहा है कि आपने जब 560 रुपीज़ में से 800 सब्ट्रैक्ट किए हैं तो आपके पास माइनस 240 रहते हैं। इट मीन्स ये क्या है, लोन है। ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है एक वैल्यू 450, दूसरी वैल्यू है 400, तीसरी वैल्यू है 300 और फोर्थ वैल्यू है मेरे पास 250 है। ठीक है, अब मैंने इन में से ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना, इन में से सिलेक्टेड वैल्यू को मैंने क्या करना है, आपस में माइनस करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इक्वल टू ये वाली वैल्यू माइनस इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस हो और उसमें से जो वैल्यू माइनस हो वो ये होगी। ठीक है, और मैं जस्ट इंटर प्रेस करूँगा और माइनस ये ऊपर वाले को भी मैं करता हूँ कि ये भी माइनस हो। अब ये क्या शो कर रहा है कि C7 से सबसे पहले माइनस होगा 250 और जो 250 बचेगा उस 250 में से आगे देखें G8 और G8 का एड्रेस इसके साथ मिल रहा है, तो 250 में से देखें 560 में से माइनस होगा 250, जो बकाया रकम बचेगी उस रकम में से 40 रुपीज़ क्या होंगे, माइनस होंगे और उस 40 रुपीज़ में से जो बच जाएंगे वो उसमें से क्या माइनस होगा, 20। और मैंने जस्ट ये इंटर प्रेस किया, तो ये क्या कह रहा है, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या नज़र आएगा कि आपके पास से जस्ट 240 रुपीज़ बचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि इक्वल टू 560 माइनस हमने 250 किया था, ठीक है, अब ये 310 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इक्वल टू करेंगे 310 माइनस उसके बाद 40 रुपीज़ किए थे, ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास 270 में से हमने क्या करना है, माइनस करना है 270 माइनस उसके बाद हमने क्या किया था, 20 किया था। ठीक है, सॉरी ये यहाँ से हम एड्रेस बार में जाके इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 240 आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फार्मूला क्या है, एक्यूरेट काम कर रहा है। ठीक है जी फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो हासिल कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह।